हमें कुछ कमेंट्स आए थे कि डाटा एनालिस्ट का कोर्स कैसे और कहां से सीखे, इस पे एक वीडियो बनाएं। तो लीजिए, आ गए हैं हम आज इसी पे बात करने के लिए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डाटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, उन्हें कहां से आप सीख सकते हैं और डाटा एनालिस्ट की एवरेज सैलरी कितनी होती है। हेलो, मेरा नाम है मेधा और आप देख रहे हैं जोश मनी। डाटा एनालिस्ट का कोर्स कोई भी सीख सकता है, इसमें कोई कंप्यूटर की डिग्री या कोडिंग कोर्स की होने की आवश्यकता नहीं है। डाटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको लगभग 3 महीने लग सकते हैं। तो शुरू करते हैं अपने पहले 2 हफ्तों से। तो सबसे पहले हमें जो बेसिक स्किल्स सीखनी होंगी वो है एक्सेल। अब एक्सेल सीखते समय आपको जो बेसिक टॉपिक्स कवर करने होंगे वो है बेसिक फॉर्मूलास, जैसे सम, एवरेज, मीन, मीडियम, सम प्रोडक्ट, कॉन्कैटिनेट, ये सब। आपको एडवांस फॉर्मूलास जैसे लुकअप, इंडेक्स, मैच, इफ, कॉन्ट इफ, सम इफ के बारे में भी पता होना चाहिए। डुप्लीकेट्स को रिमूव कैसे करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में भी थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। चार्ट्स, फिल्टर्स, सॉर्ट और स्लाइसर्स के बारे में भी पता होना चाहिए और अंत में पिवट टेबल्स और पिवट चार्ट्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ों के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए। YouTube पर आपको कई वीडियोस मिल जाएंगे जिसमें आपको एक्सेल सीखने का पूरा कोर्स मिल जाएगा। ये एक लिंक है Google टेम्पलेट्स का, जहाँ से आप एक्सेल अच्छे से सीख सकते हैं और अच्छा एक्सेल प्रोजेक्ट कैसे बनाएं वो भी आप कुछ YouTube वीडियो से आसानी से सीख सकते हैं। दूसरी बेसिक स्किल जो आपको आनी चाहिए वो है मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स। इसमें भी कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को आते ही होंगे, पर फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो टॉपिक्स हैं जैसे अर्थमैटिक, बेसिक एवरेज, सम और परसेंटाइल निकालना और ये सब। अब स्टैटिस्टिक्स है तो उसकी कुछ बेसिक चीज़ें जैसे मीन, मीडियम, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपको आनी चाहिए। डाटा साइंस और मैथ्स के यही कुछ बेसिक टॉपिक्स समझने के लिए आपको यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपनी चॉइस और पेस के हिसाब से कोई वीडियो पसंद कर लीजिए और उसको देख के सब सीख जाइए। अब हमारे 2 हफ्ते निकल चुके हैं और आ गई है बारी 3रे, 4थे और 5वें हफ्ते की। इस हफ्ते में हम सीखेंगे SQL के बारे में। जैसे हम आपस में बात करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम डाटाबेस से बात करने के लिए हम SQL का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेसिक चीजें जैसे इंसर्ट, इंपोर्ट, ग्रुप बाय, अपडेट, सिलेक्ट और लाइक जैसी चीजें आपको सीखनी होगी। और कुछ एडवांस फीचर्स जैसे डाटा टाइम फंक्शन, सब क्वेरी, केस स्टेटमेंट, STE और क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन आपको सीखना होगा। जॉइंस में आप इनर, आउटर, लेफ्ट और राइट सीख सकते हैं। SQL सीखने के लिए आपको YouTube पर कुछ वीडियोस दिख जाएंगी और SQL सीखने के लिए W3 School वेबसाइट टू लर्न SQL पे आप जाके सीख सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए एक बार इनकी साइट पर हम जाके देख ही लेते हैं। आपको यहाँ SQL ट्यूटोरियल दिख जाएगा जिसमें लेफ्ट साइड में सब कुछ दिख जाएगा, SQL सिंटैक्स, SQL सिलेक्ट, SQL वेयर और भी बहुत कुछ। अगर आपको SQL को प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए भी हमारे पास एक इंतजाम है। आप W3 Schools, Hacker Rank, SQL इन सब पर जाकर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और जैसे कि मैंने कहा, इस सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम आ जाते हैं अपने 6th और 7th वीक में। इस वीक में हम सीखने वाले हैं BI टूल्स के बारे में। ये होते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को रिपोर्ट और विजुलाइज करने में हमारी सहायता करते हैं। इन टूल्स में जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं वो हैं पावर BI और टैबलो। जो एकदम न्यू लर्नर्स हैं BI टूल्स के, तो उनको हम सजेस्ट करेंगे कि पावर BI से स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये टाइम के साथ अपडेट्स लाते रहते हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से काफ़ी मिलता जुलता भी है ये। तो एक्सेल तो आप सीख ही रहे हैं, इसी के साथ साथ आपको पावर BI भी आ जाएगा। पावर BI सीखने के लिए आपको YouTube पर काफ़ी वीडियोज़ मिल जाएंगी। पावर BI का यूडेमी पर भी आपको कोर्स मिल जाएगा जहां से आप BI पावर टूल्स के बारे में सीख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टैबलो सीखने के लिए भी आप YouTube और वेबसाइट्स की हेल्प ले सकते हैं। एड्यूरेका, सिंपली लर्न और यूडेमी ने भी कुछ YouTube वीडियोस और वेबसाइट्स बनाई है जहाँ से आप टैबलो के बारे में सब कुछ सीख सकते हैं।
अब आ गया है हमारा 8वां, 9वां और 10वां हफ्ता। शाबाश, आप काफी दूर तक आ गए हैं। इसमें हमने सीखना होगा प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में, जैसे पाइथन। अगर आप ये स्किल सीख जाते हैं तो आप डाटा एनालिस्ट की लिस्ट में टॉप की लेयर में आ जाएंगे और आपको इस फील्ड में नौकरी मिलना दूसरों के कंपैरिजन में थोड़ा आसान हो जाएगा। और तो और, अगर आगे जाके आपको डाटा एनालिस्ट की फील्ड में डाटा साइंटिस्ट या मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो ये स्किल आपके काफी काम आ सकती है। ये याद रखिएगा कि आपको बेसिक लेवल की पाइथन ही सीखनी है, इस फील्ड में प्रो बनने की हमें जरूरत नहीं है। आप कुछ बेसिक वेरिएबल्स के बारे में सीख सकते हैं, जैसे डाटा टाइप्स, लिस्ट, सेट्स, कंडीशनल एक्सप्रेशंस, लूप्स, क्लासेस एक्सेट्रा। पाइथन लाइब्रेरी में दो मेन फीचर्स होते हैं, पांडा और मैटप्लॉटलिब। अब ये पांडास क्या होते हैं? वो नहीं जो पेड़ पर चढ़ते हैं। जैसे आप एक्सेल या एसक्यूएल में टेबल्स पर काम करते हैं, वैसे ही अगर आपको पाइथन में टेबल्स पर काम करना है या डाटा फ्रेम करना है तो आप उसके लिए पांडा लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। पांडा में आप रीड, राइट, CSV, एक्सेल और JSON फाइल्स, वर्क विद डाटा फ्रेम, डाटा मैनिपुलेशन और एनालिसिस के बारे में सीख सकते हैं। मैटप्लॉटलिब से आपको स्टैटिक एनिमेशन और इंटरैक्टिव विजुअलाइजेशन दिखाना आना चाहिए। अब ये सब सीखने के लिए रिसोर्सेज आपको जल्दी से बता देते हैं। आपको YouTube पर पाइथन समझने के लिए बहुत सी वीडियोज मिल जाएंगे। कुछ नहीं तो आप Udemy से पाइथन का कोर्स तो कर ही सकते हैं। बाकी के बचे हफ्तों में आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने पर काम करना होगा, क्योंकि इंटरव्यू के समय सिर्फ स्किल्स ही नहीं बल्कि बात करने का तरीका या ढंग भी काम आता है। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको थोड़ा अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स पर काम करना चाहिए। जब आप डाटा एनालिस्ट के इंटरव्यू में जाएंगे तो आपसे डाटा साइंस के बारे में काफी कुछ पूछा जा सकता है। डाटा साइंस और डाटा एनालिस्ट के बारे में ट्रेंडिंग न्यूज और लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में अगर आप अच्छी इंग्लिश में बताएंगे तो इंटरव्यूअर आपसे फुल इम्प्रेस हो जाएगा और आपकी नौकरी बस पक्की समझो। ये सब समझने और अपनी समझ को अच्छे सुनहरे शब्दों में बताने के लिए हम सजेस्ट करेंगे कि आप पॉडकास्ट सुने, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड इंटरव्यू सुने, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड ब्लॉग्स और न्यूज आर्टिकल्स पढ़ा करें। अब आते हैं उस पर जिसका था हम सबको इंतजार, सैलरी पैकेज। आखिर ये डाटा एनालिस्ट कमाते कितना है? ग्लासडोर के मुताबिक डाटा एनालिस्ट जिसे 0 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है उसकी मार्केट वैल्यू 6 लाख पर एनम है। जिन्हें 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस है उनकी मार्केट वैल्यू 10 लाख पर एनम हो सकती है। वहीं जिन्हें 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है उन्हें 18 लाख तक का एनुअल पैकेज मिल सकता है। लास्ट में हम बता दें कि अगर आप डाटा एनालिस्ट का फुल कोर्स करना चाहते हैं जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिले तो वो भी आप कर सकते हैं। आप गूगल से डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड ये कोर्स कर सकते हैं। कोर्स का नाम है गूगल डाटा एनालिटिक्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। आप इस कोर्स को कोर्सेरा साइट पे मंथली सब्सक्रिप्शन लेकर सीख सकते हैं, जिसको पूरा करके आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। एक और ऑप्शन डाटा एनालिस्ट का पूरा कोर्स करने के लिए है IBM डाटा साइंस का प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। यहाँ जाके आप पूरा कोर्स सीख सकते हैं और सर्टिफिकेट पा सकते हैं। तो इसी के साथ पूरी होती है हमारी जर्नी एक शानदार डाटा एनालिस्ट बनने की। हम जानते हैं कि इतना आसान नहीं है पर इतना मुश्किल भी नहीं है जो किया ना जा सके। और हाँ, आप सिर्फ सीख कर बैठ मत जाइएगा, साथ ही साथ अपना LinkedIn प्रोफाइल भी अपडेट करते रहिएगा इन सब चीजों से। दुनिया को बताएंगे कि आपको ये सब चीजें आती हैं, तभी आपको लोग जानेंगे। चलिए, अब बहुत हो गया ज्ञान, आज की वीडियो में इतना ही। आपसे जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। आप देखते रहिए जोश मनी। शुक्रिया।